हेलो एवरीवन वन आर टुडेज टॉपिक इज स्टोमेटा स्टोमेटा आपने अर्लियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा है सेवंथ क्लास में एट्थ क्लास में और ये टॉपिक आता है व्हेन वी आर व्हेन वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हाउ दे रेगुलेट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वेयर आर देर लोकेशंस जनरली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं अर्लियर क्लासेज तक यही बताया जाता है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स बट नाव हम एग्जैक्ट लोकेशन इसकी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो so, स्टोमेटा जो आपको अभी तक पता है उसकी नॉलेज दीज आर द टाइनी पोर्स टाइनी पोर्स मीन्स छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिज ऑफ द लीवस टिल नाओ आपने अभी तक पढ़ा है कि प्रेजेंट ऑन द लीव्स सरफेस बट नाव आई हैव एडिड अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोवर एपिडर्मिस नाव वट डू यू मीन बाय द लोअर एपिडरमिस अच्छा अब लोअर एपिडर्मिस है इट मीन्स कोई और एपिडर्मिस भी होगा जो जिसका मतलब है अपर एपिडर्मिस हो सकता है सो लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस क्या होते हैं और अगर ये जो स्ट्रक्चर हैं एपिडर्मिस के देन स्टोमेटा वायर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस वाई नॉट ऑन द अपर एपिडर्मिस सो इस बात का रीजन भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा आई हैव कलेक्टेड दीज लीव्स जनरली आप देखते हो कि लीव्स जो है एक साइड से डार्क ग्रीन कलर की होती है एंड दूसरी साइड से लाइट ग्रीन कलर की होती है जो डार्क ग्रीन शेड है इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। and the light green shade of the leaves it is known as the lower epidermis of the leaves now what is the reason behind these difference in the coloration you all know about the chloroplast you have studied about the chloroplast in 9th standard the basic chapter cell cell aapne 8th class mein chloroplast so chloroplast are known as the kitchen of the cells why because दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिथेसिस प्रोसेस एंड फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे इट मीन्स फूड प्रिपरेशन होगा सो so, घर में जो किचन होती है उसमें फ़ूड प्रिपरेशन होता है एंड इन केस ऑफ प्लांट्स फूड प्रिपरेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट दैट्स वाई दे आर नॉन एज किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर प्लास्टिक वाई दे आर ग्रीन कलर बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट नॉन एज क्लोरोफिल सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा सो so, ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से है अब यहाँ पर ऊपर की साइड अपर एपिडर्मिस में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है एंड लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोफिल कम होता है इट मीन्स वी कैन से इट एज लाइक अपर एपिडर्मिस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट एज कंपेयर टू द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स सो so, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है और यहां पर क्लोरोप्लास्ट कम है इसीलिए यहां पर क्लोरोफिल ज्यादा है अपर एपिडर्मिस पे क्लोरोफिल भी ज्यादा है क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लोअर एपिडर्मिस नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दिस पिगमेंट ट्रैप द सन लाइट को ट्रैप करता है बिकॉज सन इज अ असेंशियल कॉम्पोनेंट और असेंशियल रॉ मटीरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फोर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस सो ये क्लोरोप्लास्ट का या क्लोरोफिल का जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट यही फंक्शन है ये सोलर लाइट को या सन लाइट को ट्रैप करता है सो so, ये जो लीव्स है इस तरह से ये कनेक्ट होती है प्लांट में तो यहाँ पर प्लांट जो सन लाइट है वो डायरेक्ट आएगी अपर एपिडर्मिस में इट मीन्स ज़्यादा सन लाइट कैप्चर होगी इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं और लोअर एपिडर्मिस जो है ये नीचे की साइड पार्ट रह जाता है लीव्स का सो यहाँ पर सनलाइट इनडायरेक्टली फॉल करती है इनडायरेक्टली फॉल करेगी तो नीचे जो क्लोरोप्लास्ट है वो कम सनलाइट को ट्रैप कर पाएगा दैट्स वाई इसका जो अपर एपिडर्मिस का कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है एंड लोअर एपिडर्मिस का जो कलर है वो एज़ कम्पेरेटिवली लाइट ग्रीन होता है यू कैन सी इट इन दिस लीज ऑल्सो ये अपर एपिडर्मिस डार्क ग्रीन मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल एंड लोअर एपिडर्मिस लाइट ग्रीन लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल रीजन आई हैव डिस्कट सो ये डायग्राम बनाए हैं सिंपल ये डार्क ग्रीन पार्ट है इट मीन्स ये अपर एपिडर्मिस एंड ये लाइट ग्रीन पार्ट है इट मीन्स लोअर एपिडर्मिस। नाउ मैंने बोला है आपको कि ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स आप लोगों ने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में कि ट्रांसपिरेशन से क्या होता है जो वाटर होता है प्लांट्स में वो इवापोरेट हो जाता है वेपर्स बन जाते हैं इवापोरेशन यू ऑल नो व्हेन लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स और इन द गैशियस स्टेट सो transpiration is a kind of evaporation that takes place in case of plants only and that transpiration takes place through stomata now why are stomata present on the lower epidermis this is not the exact line we can say it as like this that stomata are more in number on the lower epidermis as compared to upper epidermis अब इसका जो रीज़न है इसको समझते हैं जस्ट सपोज़ ये जो है अपर एपिडर्मिस लीव इस तरह से अटैच होगी यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली फॉल होगी सनलाइट यहाँ डायरेक्टली फॉल होने की वजह से अपर एपिडर्मिस का टेम्परेचर एकदम से इमीडिएटली राइज हो जाता है एंड राइज इन टेम्परेचर विज लेट टू द मोर वाटर लॉस मोर ट्रांसपरेशन विल टेक्स प्लेस सो बेटर है कि अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कम हो लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा हो बिकॉज लोअर एपिडर्मिस पे सनलाइट इनडायरेक्टली फॉल होगी इनडायरेक्टली बिकॉज ये इस तरह से लीफ अटैच हो जाती है नाउ सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करेगी और जो इसका नीचे वाला पार्ट है इस पर इनडायरेक्टली सो so, नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज़ लोअर एपिडर्मिस इस पर सनलाइट इनडायरेक्टली फॉल करने की वजह से इसका टेम्परेचर स्लोली राइज अप करेगा एंड यहाँ से वाटर लॉस जो है वो लिमिटेड होगा सो so, जितना वाटर लॉस होना चाहिए उतना वाटर लॉस होगा बट इन केस इफ यहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होते अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते तो प्लान्ट वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता यू कैन थिंक ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ डेजर्ट प्लांट डेजर्ट ऑलवेज अडेप्ट

और डेजर्ट प्लांट के पास वैसे ही होती है वाटर की और जो वाटर उनको अपने प्रोसेस के लिए अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए चाहिए होता वो सारा वेस्ट हो जाता बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड मोर ओवर डेजर्ट में हीट वैसे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है डेजर्ट एरिया जो होते हैं सो आई होप यू ऑल हैवरस्ट अंडरस्टूड दिस चैप्टर दिस टॉपिक वेरी वेल so light green color is lower epidermis has large number of stomata because sunlight does not fall directly therefore less amount of water gets evaporated from the leaf's surface now we are going to discuss the functions of stomata first of all gaseous exchange takes place through it gaseous exchange takes place through the stomata गैशियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती हैं ये अभी आपका जो लाइन है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है वेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू इट ये अभी मैंने जो बताया था जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन वाटर जो होता है जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम द स्टोमेटा और वो रिलीज आउट हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर और ड्यू टू सनलाइट सो ट्रांसपरेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इवापोरेशन यही होता है कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट जो है वो वाटर वेपर और गैशियस स्टेट में चेंज हो जाए सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लांट में जो होगा इवापोरेशन उसको बोलते हैं ट्रांसपरेशन एंड एरियल पार्ट्स मीन्स लीव्स जो होंगी जो एयर के अकॉर्डिंग मूव करती हैं जैसे स्टैम जो है वो स्टिफ होती है बट ये जो है लीव्स जो हैं व्हेन दे गेट अटैच टू द स्टैम दे फ्लिप ऑन दे मूव ऑन अकॉर्डिंग टू द एयर सो ये जो है एग्जैक्ट रिजिड नहीं होती हैं फ्लैक्सीबल होती हैं दैट्स वाई एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट Now, I have used a word gaseous exchange. Gaseous exchange in plants that also takes place through stomata. You all know about the photosynthesis. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide as a raw material. So, plants take in carbon dioxide as a raw material. They used carbon dioxide, they process it, they use it in the metabolic reaction and besides this carbon dioxide, plants also use water, sunlight, minerals to make their own food because they are autotrophs and they release oxygen as a byproduct of photosynthesis. so during photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release out oxygen. but in case of respiration, yes, plants also रेस्पायर ऐसा नहीं है कि हम एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ओनली रेस्पिरेशन रेस्पायर बट इंस्टेड प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन प्रोसेस सो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे जैसा ही है इसमें भी दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस इज द समरी ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स सो दिस इज़ हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा now I have drawn a simple diagram on stomata. Stomatal pore, stomatal apparatus क्या होती हैं सारी चीजें। first of all this is the pore like structure. इसमें भी है और इसमें। but इसमें जो है ये enlarged view है and इसमें ये diminished view है stomatal pore का। आप इससे समझ जाना कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये बनाया है टू शो द स्ट्रक्चर और द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा वेन दे आर ओपन एंड द सेकेंड वन इज डिस्क्राइबिंग द स्टोमेटल पोर व्हेन दे आर क्लोज सो दैट्स वाई यहाँ पर जो स्टोमेटल पोर है ये एन लार्ज है एंड हेयर इट इज इट हैज बीन शोन एज डिमनेज स्ट्रक्चर दीज आर द सेल्स दैट्स अराउंड द स्टोमेटल पोर दीज आर बीन शेप्ड सेल्स किडनी का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होता है और बीन जो हमारे घर में यूज करते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर है दैट्स वाई दे आर नॉन एज बीन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटल पोर एंड दे आर नॉन एज गार्ड सेल्स नाउ यू can see here i have drawn a dot like structures on the guard cells these dot like structures are green in color and they all are chloroplast and i have discussed the chloroplast earlier so these dot like structures are representing the chloroplast in both the diagrams these are the chloroplast next this enlarged dot like structure is known as the nucleus of the guard cells now these leaf like structures that are surrounding the guard cells they are known as epidermal cells epidermal cells are also present in both the diagrams everything is common in both the diagrams except the stomatal pores are open here in the enlarged view and stomatal pores are closed here in the diminished view

सो so, ये प्रोटेक्शन करेंगे दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एपिडर्मिस जो होता है ये हमारी स्किन की लेयर बनाता है बिकॉज स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर एनिमल्स फॉर प्लांट्स सो ये भी जो है ये इसको कवर प्रोटेक्ट करके रखेगा एपिडर्मल सेल्स आर प्रोटेक्टिंग द गार्ड सेल्स एज वेल एज द स्टोमेटल पोर Now the guard cells. these are the bean-shaped cells that are present around the stomatal pore and regulate the opening and closing of stomata. now, this is the new line i have added here that regulate the opening and closing of stomata. now, the question arises, how guard cells regulate the opening and closing of the stomata? what is the mechanism behind the opening and closing of stomata? so, this opening, is inky requirement, ke based. अगर प्लांट्स को गैशियस एक्सचेंज करना है तो स्टोमेटल पोर ओपन होंगे प्लांट्स को गैशियस एक्सचेंज नहीं करना तो स्टोमेटल पोर का ओपन होने का कोई रीजन नहीं है तो वो क्लोज होंगे सो वेन वाटर गेट्स फिल्ड इन द गार्ड सेल्स जब गार्ड सेल्स जो बीन शेप्ड के सेल्स हैं अगर उसके अंदर वाटर ज़्यादा अमाउंट में फिल हो जाता है तो दे विल स्वेल अप एंड लार्ज हो जाएंगे साइज में एंड दिस लेड्स टू द ओपनिंग ऑफ द पोर एंड द रिवर्स फॉर द क्लोजिंग ऑफ टोमेटल पोर वैन गार्ड सेल्स लूज वाटर अब वाटर का लॉस होगा ड्यू टू ट्रांसपीरेशन तो जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे एंड दिस लेट्स टू क्लोजिंग ऑफ टोमेटल पोर इस वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा एक बार इसी को हम अगेन डायग्राम से समझते हैं सो दिस इज द डाइग्राम वैन स्टोमेटा आर ओपन एंड दिस डाइग्राम इज शॉइंग वैन स्टोमेटा आर क्लोज

Thank you for watching the video. I hope you all have understood this chapter, this topic very well.